हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉन्ग लाइफ ब्यूटी टिप्स में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूं जिससे हर दूसरे आदमी को प्रॉब्लम होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, बूढ़ा हो या जवान, सब कोई इससे छुटकारा पाना चाहता है। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहती हूँ वह टॉपिक है पिंपल, जिसको हिंदी में मुहासे कहते हैं। मुहासे होना और उनके निशान होना एक आम बात है। अक्सर ऑयली त्वचा पर ज्यादा मुहासे होते हैं जो बाद में काले दाग और कई बार तो चेहरे पर बदसूरत गड्ढे भी छोड़ जाते हैं। और इन्हीं सब को दूर करने के लिए हम महंगे प्रोडक्ट और महंगे ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। कभी कभी ये मुहासे हॉर्मोन्स के असंतुलन से भी हो जाते हैं। घबराए नहीं, आज हम आपको कुछ ऐसे नुस्खे बता रहे हैं जिन्हें आप अपने रसोई से ही ले सकते हैं। तो क्या हैं वो रसोई के नुस्खे, आइए जानते हैं। टिप नंबर 1, अगर आपको मुहासों की समस्या है तो एक बार इसे जरूर प्रयोग करें। सबसे पहले केले का छिलका ले लीजिए और उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए और इस पेस्ट को अपने चेहरे पर रात को लगाकर सो जाएं और सुबह उठकर पानी से चेहरे को साफ करें। आप पाएंगे कि एक ही रात में आपको बहुत फायदा हुआ है। 2-3 रात को इसे लगातार करें और जहां आपने केले के छिलके का ये पेस्ट लगाया है वहां कभी मुहासे नहीं होंगे। मुहासों को दूर करने के लिए संतरे के छिलकों का चूर्ण बना लें और मुल्तानी मिट्टी व गुलाब जल में मिलाकर नियमित रूप से कम 30 से 40 दिन तक लगाएं। इससे आपके मुहासों की समस्या दूर हो जाएगी। बादाम और बेसन को आपस में मिलाकर चेहरे पर लगाने से आपके चेहरे के दाग तो कम होंगे ही, साथ साथ आपका चेहरा भी दमक उठेगा। बादाम और बेसन के पेस्ट को चेहरे पर लगाकर 10 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर धीरे धीरे इस पेस्ट को रगड़ रगड़ कर उतारें। इसके बाद आप पानी से चेहरे को धो लें। अगर आपको मुहासों के काले निशान हो गए हैं तो बेकिंग सोडे में पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं और इस पेस्ट को मुहासों के काले निशान पर 10 से 20 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें। फिर इसे गुनगुने पानी से धीरे धीरे साफ करें। आप देखेंगे कि आपके चेहरे से दाग हटने शुरू हो चुके होंगे। इस विधि का सबसे पहले अपनी त्वचा पर परीक्षण जरूर कर लें। सप्ताह में एक बार फेस स्क्रब का इस्तेमाल अवश्य करें। स्क्रब करने से चेहरे पर से धूल, मिट्टी, स्किन ऑयल और मृत कोशिकाएं साफ हो जाती हैं और मुहासों के निशान भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने चेहरे से ऑयल को कम करने के उपाय करने होंगे। अपने चेहरे को कम से कम ताजे पानी से 3 से 4 बार साफ कीजिए। अपने हाथों को साफ रखें क्योंकि आपके हाथ आपके फेस पर बार बार लगाते हैं, जिससे मुहासे होने का ज़्यादा खतरा होता है। कई बार हम ये गलती करते हैं कि हम पिंपल को हाथ से फोड़ने लगते हैं, जो बिल्कुल भी गलत है। इससे हमारे पिंपल ठीक नहीं होते और भी बढ़ने लगते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटी को भी दबा दें।